हेलो बच्चों, आज हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट या उसको एक और नाम देते हैं कार्निवोरस प्लांट। समझ में आ गया होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट या इसको एक और नाम देते हैं कार्निवोरस प्लांट। दोनों नाम से पूछा जा सकता है। इसमें देखते हैं इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस क्यों कहते हैं, यानी इंसेक्ट को वोर करने वाला, इंसेक्ट को खाने वाला पौधा। कार्निवोरस मतलब जो किसी एनिमल को या इंसेक्ट को खाता हो, कार्निवोर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब थोड़ा सा इसमें बता दें, ये पौधे वहाँ उगते हैं जैसे बॉक्स प्लेस पे, स्वैम्पी पे, जहाँ पे नाइट्रोजन डेफिशिएंट कंडीशन में रहता है, मतलब नाइट्रोजन नहीं रहता है, बहुत कम रहता है, यानी उसकी जो आवश्यकता है प्लांट की वो पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए ये इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं और उसमें से जो निकलता है उससे नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, इसीलिए इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट या कार्निवोरस प्लांट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट नोट कर लेंगे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट इज एन इंटरेस्टिंग बहुत ही मज़ेदार है। कोई सुना नहीं हुआ कि पौधे भी किसी को खाते हैं, कीड़े मकोड़ा हो गया, कोई इंसेक्ट हो गया, एनिमल हो गया, इसीलिए बोलते हैं इसको इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स प्लांट्स। ठीक है बच्चों, विच प्री अपॉन शिकार करता है किसका, इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स। ये आ गया, इंसेक्ट आ गया, यानी इंसेक्ट इंसेक्टिवोरस, कार्नि एनिमल से रिलेट कर दीजिए। ठीक है, अब देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका कारण ये है, इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो, जैसे अभी बताया गया है, कहाँ ग्रो करता है, इन स्वैम्प्स एंड बॉक्स, ऐसे जगहों पे जहाँ दलदली होती है, लीचिंग ज़्यादा होती है, तो जो नाइट्रोजन है लीच आउट हो जाता है। वेयर सॉइल नाइट्रोजन जो सॉइल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन इज इन डेफिशिएंट, या लिख सकते हैं डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन कंडीशन। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो कि वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है या नहीं होती है, इसलिए ये कीड़ों को खाता है या एनिमल्स को खाता है। अब देखेंगे आगे तीसरा पॉइंट कि चूंकि इसको प्लांट बोलते हैं, तो प्लांट बोल देते हैं तो यानी ऑटोट्रॉफिक होगा, है ना, ग्रीन इन कलर होगा, तो लिख देते हैं यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट आर ग्रीन, ग्रीन है तो ऑटोट्रॉफिक होगा, यानी ग्रीन ऑटोट्रॉफिक प्लांट। बट ऑटोट्रॉफिक ये समझ गए होंगे, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट टू सप्लीमेंट समझ रहे होंगे,
कुछ अलग से, जैसे कोई मिनरल की कमी है तो अलग से ले लिया फूड के अलावा, उसको सप्लीमेंट बोलते हैं। सप्लीमेंट देयर नाइट्रोजन, अंडरलाइन कर लेंगे, देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। समझ में आ गया होगा, रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। यानी वो भोजन तो बना रहा है, ऑटोट्रॉफिक तो है, लेकिन नाइट्रोजन के लिए उसको ये करना पड़ रहा है, यानी अलग से डाइजेस्ट करना पड़ रहा है इंसेक्ट को और एनिमल को एज ए सप्लीमेंट इसके लिए क्या करता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे उसी में जोड़ लेते हैं, दे कैप्चर, क्या करता है कैप्चर, किसको कैप्चर करता है, इंसेक्ट को या एनिमल को, एंड डाइजेस्ट, कैप्चर करेगा डाइजेस्ट करेगा किसको, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं स्मॉल इंसेक्ट्स को। समझ में आ गया बच्चों। और उसके बाद क्या करेगा, डिकम्पोजिशन इसका करेगा, डिकम्पोजिशन इंसेक्ट को डिकम्पोज किया, यानी डिकम्पोजिशन हुआ। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ विच, आगे ऊपर लिख लेते हैं, उसी में आगे जोड़ लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ विच क्या प्रोडक्ट निकलेगा, ये जब डिकम्पोजिशन या डाइजेस्ट होगा, आ रिच इन नाइट्रोजन, ठीक है ना, रिच इन नाइट्रोजन हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, ये तो उसकी पूरा कहानी हो गया 3 पॉइंट में, रिच इन नाइट्रोजन होता है, अब नाइट्रोजन की डिफिशियंसी थी तो वो पूरी हो गई। अब देखें कितनी इसकी लगभग स्पीसीज होती है, तो ये लगभग और अबाउट 450, यानी 450 स्पीसीज इसकी होती है, इसको ध्यान देंगे, यानी बहुत सारी होती है, ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या कार्निवोरस प्लांट कुछ भी लिख सकते हैं, belongs to 5 families, ठीक है बच्चों। ये जो 450 स्पीसीज है कोई एक फैमिली का नहीं है, 5 फैमिली मिलके, और ये पांचों फैमिली में इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, तो ये ध्यान देंगे 5 फैमिली, जैसे आप इसको नोट कर सकते हैं, पहला ड्रोसरेसी, जैसे इसका एग्जांपल ड्रोसरा है, आप देखे होंगे ड्रोसरा इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, और ये इसमें आप देखेंगे ऐसे इसके लगे रहते हैं इंसेक्ट कैचिंग जो स्ट्रक्चर होता है, और जहाँ इंसेक्ट बीच में कहीं आता है ऐसे बंद हो जाता है, उसको डाइजेस्ट करता है, तो ये ड्रोसरेसी का है। दूसरा आप देखेंगे नेपेंथेसी हो जाता है, थेसी, नेपेंथीस, इसमें आता है नेपेंथीस, नेपेंथीस खासियाना, नॉर्थ ईस्ट जाएंगे मेघालय
शिलांग, तो वहाँ ये उधर देखने को मिलता है नेपेंथिस खासियाना, खासी हिल में, तो ये स्पीसीज मिल जाएगी। फिर तीसरा आप देखेंगे सारासिनिएसी, इसमें भी बहुत सारी स्पीसीज हैं। चौथा आप देखेंगे सिफेलो टेसी, और पांचवा देख लेंगे, चौथा सिफेलोटेसी, और पांचवा लेंटी बुली बुलीरेसी, लेंटी बुली रिएसी, लेंटी बुले रिएसी, लेंटी बुले रिएसी। तो ये कामनली आप बुक्स में देखेंगे, ड्रोसेरा है, नेपेंथीस है, और भी एक दो स्पीसीज देखने को मिलती है, और ये पांच फैमिली में पाई जाती हैं इंसेक्टिवोरस। और अब समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो कीड़ों को खाते हैं या एनिमल को खाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये लगता है कि ये कौन सा पौधा है जो कार्निवोरस प्लांट है या इंसेक्ट को खाता है। तो बहुत ही सिंपल है, अब आपको समझ में आ गया होगा। और इसका एक फिगर सिंपल बनाते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ बना लेते हैं, ये मान लीजिए लीड है, और ऐसे ऐसे बनता है, ये पीचर प्लांट है, जुड़ा रहता है। ये अब इंसेक्ट कोई है यहाँ आ गया, यहाँ लीड ये खुला रहता है, ये मान लीजिए खुला रहेगा तो ऐसे रहेगा, इंसेक्ट घूमते घूमते आता है, फिसल के अंदर चला जाता है, फिर बाहर नहीं आ पाता है, इसको लीड बोल देते हैं। ये पीचर है, नेपेंथिस पीचर प्लांट जिसको बोल देते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, और ये जो होता है विंग्ड पेटियोल होता है, इंसेक्ट आया नीचे ड्रॉप हो गया। अब इसमें डाइजेस्टिव जूस होती है, और उसकी वजह से वो डाइजेस्ट हो जाता है, इसको ग्लैंड भी बोल देते हैं, डाइजेस्टिव जूस होती है, और ये डाइजेस्ट हो जाता है, और पौधा जो नाइट्रोजन की कमी होती है वो उससे पूरा कर लेता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता है कि आप एकदम समझ गए होंगे, भूलेंगे नहीं। ओके बच्चों, तो इसको नोट कर लेंगे, कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे। ओके बच्चों, बाय बच्चों, और अपना ख्याल रखेंगे और खूब अच्छी तैयारी करें। ओके, बाय बच्चों।